नमस्कार हम सभी लोग जानते हैं कि जैन धर्म की स्थापना भगवान महावीर ने की थी जो कि जैन धर्म के अंतिम और चौबीसवें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के दो संप्रदाय होते हैं एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर यदि अगर हम जैन के प्रतीक चिन्ह की बात करें जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो उस प्रतीक चिन्ह में सबसे ऊपर एक स्वास्तिक बना रहता है उसके थोड़ा सा नीचे अगर आप देखें तो एक तीर्थंकर भगवान महावीर की हथेली बनी रहती है और पूरे प्रतीक चिन्ह के नीचे एक संस्कृत में एक फ्रेज़ लिखा रहता है परस्परोप ग्रहो जीवा नाम इसका अर्थ क्या है ये कहाँ से लिया गया है आइए इसके बारे में जानते हैं परस्परोपग्रह जीवा नाम जैन धर्म का आदर्श वाक्य है और ये जैन धर्म के जो प्रतीक चिन्ह है उसके लास्ट में लिखा रहता है इसका अर्थ होता है जीवों के परस्पर में उपकार है यानी सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित है उन पर दया करनी चाहिए और एक दूसरे की आवश्यकता पड़ने पर सहायता करनी चाहिए यह श्लोक जैन धर्म के प्रथम संस्कृत ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र से लिया गया है तत्वार्थ सूत्र की रचना आचार्य उमा स्वामी जी ने की थी और इस तत्वार्थ सूत्र को मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं यह संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम जैन ग्रंथ है इसमें दस अध्याय और तीन सौ पचास सूत्र है। क्योंकि जैन धर्म अहिंसा पर आधारित है और जैन धर्म के पांच व्रत हैं सत्य अहिंसा अस्थ्य अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य सत्य मतलब आपको सत्य बोलना है और किसी के साथ झूठ बोलकर उसका शोषण नहीं करना है और अहिंसा जीवों के प्रति मन में दया रखना उनकी रक्षा करना अस्से चोरी नहीं करना चोरी करना वर्जित है अपरिग्रह धन का अत्यधिक संग्रह न करना जितनी आवश्यकता है उतना ही संग्रह करें या और लास्ट में आता है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आप सारी विषय वासनाओं से दूर रहें और जीवन को अपने सार्थक करें ये पांच वाक्य हैं इन पांच वाक्यों पर पांच सिद्धांतों पर चलकर या पांच व्रत का पालन करके हम इस आदर्श वाक्य को सार्थक कर सकते हैं जय जिनेन्द्र धन्यवाद